आप लोगों के सामने जो ड्रीम इलेवन का नया अपडेट आया है मैच लगाने का, वो दिखाना चाहते हैं। तो भाई देखिए, आज ड्रीम इलेवन में जो आप लोग का, सॉरी दूसरा खुल जा रहा है, चलिए ड्रीम इलेवन में आप लोग जो मैच लगा रहे हैं, अभी नया चेंजेस जो किया गया है ड्रीम इलेवन में, क्या चेंज किया गया। चलिए मैं एक टीम लगाने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस टीम में लगाना है। अब मैं एक टीम क्रिएट करने जा रहा हूँ, टीम क्रिएट करने के बाद अभी जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो लाया गया है, अब मान लीजिए कि मैंने एक टीम बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने टीम एक बनाया। उसके बाद ये टीम बनाने के बाद जैसे ही मैंने ये मेरा टीम 11 टीम कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब मान लीजिए कप्तान वर्सेस कप्तान मैंने चुन लिया। अब चुनने के बाद क्या हुआ कि कप्तान वर्सेस कप्तान जैसे ही चुन लिया, इसके बाद आ रहा है ऐड बैकअप। ऐड बैकअप करके आप चार प्लेयर को आप रख सकते हैं, जैसे बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, बैकअप 4, ये चारों प्लेयर को आप बैकअप में रख सकते हैं। आप इसमें सब किसी भी प्लेयर को, जैसे कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है ना, उसी तरह आप इसको बैकअप में रख सकते हैं। बैकअप प्लेयर जो है आप किसी भी तरह से, जैसे कि चार प्लेयर को आप रख सकते हैं। मैंने ये चार प्लेयर बैकअप रख लिए। अब इसके बाद सेव, इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं कि मेरा ये बैकअप प्लेयर आ गया। अब बैकअप प्लेयर आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा तीसरा टीम में हो गया। और तीसरा टीम में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो टीम बनाया अभी, उसमें मेरा चार बैकअप प्लेयर रख लिया है मैंने, ये चार बैकअप प्लेयर। अब इसमें से मैं इसको, जब सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है उसके बाद इसको चेंज करके मैं ये कर सकता हूँ। जिस तरह से मेरा बैकअप प्लेयर देख सकते हैं, इसको भी मैं एडिट कर सकता हूँ, इसको चेंजेस कर सकता हूँ। ये सारा नया चीज़ अभी मुझे आज से ही देखने को मिला है, तो मैं अभी तुरंत आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर देता हूँ। जो 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 बीच कन्फ्यूजन है इसमें कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको पूरा क्लियरली आप लोग को और अच्छी तरह से समझा दूंगा। फिलहाल अभी इससे आप समझ लीजिए कि बैकअप प्लेयर के तौर पे आप लोग को दे दिया गया फैसिलिटी, जो चार प्लेयर को आप लोग रख सकते हैं, रखने के बाद चेंजेस कर सकते हैं। तो मतलब जैसे ही वहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्लेयर को आप लोग चेंज करते हैं, इसी तरह बैकअप प्लेयर को भी यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, उसके बाद आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो भाई बहुत मज़ेदार है, जो जो नहीं करना चाहते हैं जल्दी से इसको कीजिए। जो टीम लगाते हैं ये बैकअप प्लेयर को जरूर सेव कर लीजिएगा। नॉट देखिएगा, जो नॉट नाउ कर रहा है वो नॉट नाउ मत कीजिएगा, बैकअप प्लेयर को रख लीजिए, जिस सब चेंज कर सकते हैं और इसमें इजी से विनिंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।